रामपुर नवाबी पीरियड से ही चाकू के लिए वर्ल्ड फेमस है सारी दुनिया में, और बॉलीवुड में भी फिल्मों में आपने सुना होगा कि रामपुरी चाकू। तो रामपुर की इसी प्रसिद्धि को देखते हुए यहाँ पर योगी सरकार ने फैसला किया एक दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगाने का। तो यहाँ जौहर पार्क के बीचों बीच में दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बनाकर लगाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है और असली चाकू है, इसमें कोई फेक चाकू नहीं है। तो मैं आपको चलिए करीब से दिखाता हूँ रामपुरी चाकू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रामपुरी चाकू का बोर्ड लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा चाकू। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ये कोई फेक चाकू नहीं है, बल्कि ये जो इसका आप देख रहे हैं जस्ता बना हुआ है ये पूरा का पूरा पीतल का बना हुआ है, और इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइट है जो कि यहाँ लगाई गई है इस पार्क के अंदर, और ये पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है नैनीताल मार्ग पर जाते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं चारों तरफ रोड है और इसके चारों तरफ से रास्ता जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये रास्ता बरेली की तरफ जाता है, ये रास्ता रामपुर की तरफ से जाता है, और एक रास्ता ये सीधा सुवार को जा रहा है ये आप देख सकते हैं, और ये रास्ता नैनीताल की तरफ जाता है। तो ये चौराहा है और बीच चौराहे पर ही ये चाकू लगाया गया है वर्ल्ड बिगेस्ट चाकू। अभी आप देख सकते हैं इस पार्क को सजाने के लिए यहाँ पर लाइटों का भी भरपूर तरीके से लगाई गई हैं। इस पार्क में चारों तरफ लाइटें हैं और फोकस लाइटें भी लगाई गई हैं। रात के समय में यहाँ पर लाइटें जलती हैं और जब इसका फोकस पड़ता है चाकू पे तो इसकी रोशनी दूर से ही देखने लायक बनती है। अगर आप मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं और आप नैनीताल के लिए जाते हैं रामपुर से होते हुए, तो रामपुर से 5 किलोमीटर दूर जौहर पार्क पड़ता है, और इस जौहर पार्क बिल्कुल बीचम बीच में है। ये आप देख सकते हैं चौराहा है, और इस चौराहे पर ही आपको दूर से दिख जाएगा रामपुरी चाकू। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर, तब तक के लिए हम आप दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।